यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर केस, टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी की जा रही है। देश भर में 72 जगहों पर छापेमारी चल रही है। आर्म्स सप्लायर्स नेक्सस मामले में भी छापेमारी है। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना से पूछताछ के बाद ये छापेमारी बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। कई राज्यों में इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। गैंगस्टर केस, टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर देश भर में 72 जगहों पर छापेमारी चल रही है। आर्म्स सप्लायर्स नेक्सस मामले में भी छापेमारी की जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई रिमांड पर है, उसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान इन जगहों पर छापा मारा जा रहा है। नीरज बवाना से पूछताछ के बाद भी छापेमारी ये हो रही है। देश भर में कुल मिलाकर 72 जगहों पर एनआईए की टीम छापा मार रही है और जो राज्य है उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एनआईए का छापा देखने को मिल रहा है। टीम अलग अलग राज्यों में पहुंची है और छापा मारा जा रहा है। जो नाम निकलकर सामने आए हैं वहां छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। गैंगस्टर केस, टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। 72 जगहों पर इस वक्त एनआईए की टीम छापा मार रही है। तो जहां जहां नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वहां वहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। राजीव गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, कई राज्यों में एनआईए की टीम पहुंची है, छापा मार रही है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में कहां कहां पर छापा मारा गया है एनआईए का? देखिए, सबसे बड़ी बात है एनआईए की टीम जोधपुर पहुंची है। जोधपुर पहुंचने के बाद में वो ग्रामीण इलाके में पहुंची है। बालेश्वर का वो इलाका है जहां पर लॉरेंस के गुर्गे रहा करते हैं, वहां उस इलाके में हालांकि एक कोई गुर्गा है जमानत पर छूटा हुआ है, उसकी भी सरगर्मी से पड़ताल चल रही है। जिस तरीके से रंगदारी की घटनाएं, फायरिंग की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, सुपारी लेकर के किलिंग की घटनाएं जिसमें की सामने आई, लॉरेंस के जितने भी गुर्गे, चूंकि पश्चिमी राजस्थान का अगर बात करें, शेरगढ़ का जो इलाके की बात करें, लोहावट की बात करें, भोलोदी के इलाके की बात करें और कुछ जो लूनी इलाके की बात करें, जहां जहां लॉरेंस के गुर्गों का कनेक्शन रहा है वहां वहां जिस तरह से पड़ताल की जा रही है, लगता है की एनआईए को बड़ी सूचना थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर, कॉल रिकॉर्ड के आधार पर लगता है की शाम तक जब उसका खुलासा किया जाएगा बहुत बड़ा सच सामने आ सकता है। फिलहाल बालेश्वर के कुछ गांव और ढाणियां हैं, उन इलाकों के अंदर सूचना मिली है तो वहां पड़ताल जारी है। जी बिल्कुल ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जोधपुर में भी छापा मारा जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर है, कौशल गैंग के शार्प शूटर संदीप बंदर के ठिकानों पर एनआईए की रेड। इससे पहले भी दो बार एनआईए की टीमें कौशल के ठिकानों पर रेड मार चुकी है। एक बार फिर से छापा मारा गया है। गैंगस्टर और उसके गुर्गे नेपाल से यूपी के सीमांचल इलाके में से दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, पंजाब में अवैध हथियारों के चलते ये छापेमारी बेहद अहम। तो राजीव, जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे थे कि जोधपुर में भी कई गांव ढाणी एनआईए की टीम पहुंची और वहां पर एनआईए की टीम छापा मार रही है और शाम तक इंतजार करना होगा जब बताया जाएगा कि कितना इनपुट प्राप्त हुआ है एनआईए की टीम को, क्योंकि इससे पहले भी कौशल की अगर बात की जाए तो कौशल गैंग के शार्प शूटर संदीप बंदर के ठिकानों पर एनआईए की रेड देखने को मिली है। इससे पहले भी दो बार एनआईए की टीम कौशल के ठिकानों पर रेड मार चुकी है। आज भी कौशल के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम पहुंची है, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ लगातार की जा रही है। क्योंकि जब लॉरेंस को प्रोडक्शन रिमांड पर राजस्थान लाया गया तभी ये कहा गया था कि कहां कहां इसके गुर्गे एक्टिव हैं। अब ये पता चलेगा और ये पूरी चैन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी कि कहां कहां पर इनके ये गुर्गे एक्टिव हैं और कहां किस और वारदात को ये अंजाम देने वाले हैं। उससे पहले ही कार्रवाई एनआईए की।